नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पे मैनेजर के अंदर DDO ID से लॉगिन करके किसी भी एम्प्लॉय की पे स्टॉप व पे रिलीज कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पे मैनेजर के अंदर DDO ID से लॉगिन कर लेना है और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे लिखा है बिल प्रोसेसिंग के ऑप्शन पे हमें टिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सैलरी प्रिपरेशन, इसके अंदर जाना है और इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय पे डिटेल्स के अंदर हमें टिक करना है। तो दोस्तों इसके बाद में OTP वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर, जो DDO रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। तो दोस्तों सेंड OTP के ऑप्शन पे हमें टिक करना है और जो 6 डिजिट का OTP है वो हमें यहाँ पे सबमिट करना है, इंटर OTP। इसके बाद में दोस्तों OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल ऑप्शन शो होएगा। इसके बाद में हमें मंथ सेलेक्ट करना है, फिर ईयर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी बनती है वो ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो पहले दोस्तों हम कर लेते हैं जिस प्रकार से या वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। इसके आगे सेलेक्ट ग्रुप के अनुसार जिस एम्प्लॉय की उस ग्रुप में सैलरी बनती है उसकी यहाँ लिस्ट आपके सामने शो होने लगेगी नेम अनुसार, और आपने जिस एम्प्लॉय की कुछ चेंजिंग करनी है, सैलरी स्टॉप करनी है या रिलीज करनी है तो आप उस एम्प्लॉय को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल, डिडक्शन, अलाउंस दोस्तों ये सब यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आप उसके अंदर कोई ऐड अलाउंस या कुछ भी आप ऐड डिडक्शन, स्टॉप पेमेंट, अगर आप कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय की स्टॉप पेमेंट करनी है तो स्टॉप पेमेंट के ऊपर हम टिक करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर रीजन लिखना है तो आप रीजन लिख दें। और उसके बाद में दोस्तों रीजन लिखने के बाद में प्रोसेस का ऑप्शन है उसके ऊपर हमें टिक करना है तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो चुका है अलग DDO के अंदर तो हमें उसकी सैलरी जो है स्टॉप करनी है तो उसका हम डिस्क्रिप्शन के अंदर रीजन लिख देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों प्रोसेस का ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करेंगे तो इस प्रकार से एम्प्लॉय की जो सैलरी है, पे है जो, वो स्टॉप हो जाएगी। अगर आपने पे रिलीज करनी है तो वो स्टॉप करने के बाद में वहाँ पे ऑप्शन पे रिलीज का आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार से स्टॉप पेमेंट, पे रिलीज, ऐड अलाउंस, ऐड डिडक्शन, जो भी आप कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी दी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और भी अगर आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।